देखो मैं प्लग नहीं मार रहा बट सीरियसली, तो मैं याद है कुछ दिन पहले भी मैंने बोला था जब मैं बाहर गया था कि मैं टी शर्ट पहन के गया था और मैं जहाँ भी जाता था लोग मुझे देखते हैं, ट्रस्ट में तुम इजरो पहन के जाते हो लोग तुम्हें मुड़ के देख, जो पहले बार में थोड़ा लगता है ठीक है फेमस है और ये फील आ रही, बट बाद में थोड़ा सा ऑकवर्ड लगने लगता है। मैं लिटरली आज दिन में निकल गया, मेरे को काम था और यही टी शर्ट पहनी थी मैंने, सब मुड़ मुड़ के देख रहे हैं। अगर तुम उन लोगों में से हो जो अटेंशन चाहते हैं, तुम्हें पता है क्या करना है, नहीं गद्दी मर्च ब्रो, BeOVA.com/shop, लिंक इन डिस्क्रिप्शन ब्रो। बट ये वीडियो मर्च के ऊपर नहीं है और ना ही कुछ इंटरेस्टिंग बात करने वाले हम इस वीडियो में। आज मेरे पास एक बस केस स्टडी है बताने के लिए कि हाँ ऐसा सच नहीं है। पता बहुत बार क्या होता है, मैं कुछ कहता हूँ और लोग ऑफेंड हो जाते, जैसे मैं बायस्ड होके बोल रहा हूँ जबकि मैं दोनों साइड की इक्वली लेता हूँ। मतलब न्यूज चैनल वाले कॉमेडी करें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कॉमेडी चैनल पे थोड़ी सी न्यूज कवर कर लूँ सबको प्रॉब्लम होती है मैं क्या सोच रहा हूँ। और रिसेंटली ऐसे ही सीन हुआ है, सो नेटफ्लिक्स ने लास्ट ईयर एक शो लॉन्च किया था पेट्रियोटिक एक्ट, अगर तुमने देखा तो तुम्हें पता है बहुत अमेजिंग शो है, शायद तुम पसंद भी करते होगे, शायद तुम्हें उसके ओपिनियन से या जिस वे से वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो पसंद नहीं आता होगा, पर अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहो तो बहुत अमेजिंग जॉब करता है वो, बहुत वेल रिसर्च्ड होता है और जिस वे से वो रिप्रेजेंट करता है मोस्ट रिस्पेक्टफुल वे में करता है, वो सारी चीजें बताता है। हाँ कॉमेडी भी करता है और कुछ चीजें मुझे भी समझ में नहीं आती क्योंकि वो अमेरिकन जोक्स होते हैं, बट ओवरऑल समझ में आता है। तो उसमें एक एपिसोड था इंडियन इलेक्शन, तो उस एपिसोड में उसने कांग्रेस और बीजेपी दोनों के बारे में बात करी, राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी दोनों के बारे में बात करी और सारी चीजें बताई उसने। बट तुम्हें पता होना चाहिए कि कोई भी मोदी के अगेंस्ट नहीं बोल सकता क्योंकि जो मोदी फैन है पूरी तरह छुतिया गया है। तो सीन ये था, उसने वीडियो बनाई, लोग ऑफेंड हुए, न्यूज पे आया हुआ है, मतलब नेटफ्लिक्स शो है, न्यूज पर डिस्कशन है और या डिबेटे हो रही है। आई थिंक ही मेड मोदी विन, व्हाई इज ही टॉकिंग अबाउट इंडियन पॉलिटिक्स एनीवे, ही हैज नो क्लू अबाउट नरेंद्र मोदी, ही हैज नो क्लू अबाउट बीजेपी, दैट इज बिट दिस गाइस आर एंटी, ही वाज माय लीस्ट फेवरेट डेली स्टोर करेस्पोंडेंट, नो क्लू व्हाट फनी, एक्सक्यूज मी दैट इज नॉट द पॉइंट, कैन आई मेक माय पॉइंट, कैन आई मेक माय पॉइंट, अरे कोरोना It's only Modi, Modi, Modi for him. I tried to tell him not to talk about this, but he never listened to me. He's a complete idiot and a buffoon. Why are you getting personal? Why are you getting personal? Everyone, Hasan Manaj is a son of a bitch. बंदे ने सही नहीं किया, असली तो वही करती है। He's a bitch of a son. इलेक्शन के बाद मोदी सरकार मेजोरिटी से जीती और तुम्हें पता है फिर क्या हुआ था, कुणाल कामरा के साथ, एनडीटीवी के साथ और बाकी वो सारे लोग जो मोदी गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहे थे। इलेक्शन के बाद अगेन उसने एक और अपडेट वीडियो बनाई और उसमें एग्जैक्टली उसने वही समझाने की कोशिश करी कि कोई कॉमेडियन इतिहास में सरकार नहीं बदल गया, और उसने रीजन भी बताया कि वो क्यों बना रहा है वो अपडेट वीडियो, क्योंकि सिर्फ दो ही चीजें होती हैं, एक तुम फट गई तुम्हारी, तुम गायब, तुम फट्टू आओ, अब तुमसे कुछ नहीं होगा, और दूसरा सामने आके बता देना कि हाँ मुझे सही सीरियसली कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अमेरिका में रहता वैसे भी। Comedians can't swing elections. Comedians don't do shit. But I can't go online without desi trolls telling me I ruined democracy. I know तुम क्या सोच रहे हो कि यार एक साल पुरानी बात थी तो अब क्यों बता रहा है? हैं? क्योंकि अभी recently मोदी जी भी अमेरिका गए थे चाचा से मिलने। अरे अपने चाचा ट्रंप जी, ट्रंप को देख के ना मेरे को सच में प्राउड फील होता है कि आज तक इंडिया में जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने ना सही बने, ऐसा नहीं बनना बस, क्या ब्लंडर मारा है भैया। अबे मोदी को फादर ऑफ द नेशन बोल दिया है, महात्मा गांधी ऊपर से ट्रंप ब्रो, एम आई जोक टू यू, और अभी एक्चुअली ट्रोलिंग चल रही है उसकी। बट जहां ये फंक्शन था और जब ये फंक्शन था हसन मिनहाज वहां पे था, बट उसको एंट्री नहीं मिली। पहले उसको बताया गया कि हाँ सर अभी ना भर गई है 50,000 लोग हैं, जगह नहीं बचे आपके लिए, तो ये पहुंच गया सेंटर, पहले टरकाया फिर से, और बाद में उसको बताया गया कि आपने जो इंडियन इलेक्शन के टाइम पे टिप्पणी करी थी मोदी गवर्नमेंट के लिए वो उनको पसंद नहीं है, तो इसलिए उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया। We are at a space and you've been denied because of some of the comments you have made. The comments you've made about Prime Minister Modi were not appreciated and you've been blacklisted. ना ना खत्म नहीं हुआ। तो ये भाई साहब गए ही नहीं वहां से, वो पार्किंग लॉट में चेयर डाल के बैठ गए क्योंकि इवेंट लाइव स्ट्रीम हो रहा था। बट उस शो के बीच में एक पॉइंट आता है जहां पे तारीफ की जा रही थी जो फेमस इंडियन ओरिजिन अमेरिकन हैं और उन्होंने कितना अचीव किया है म्यूजिक आर्ट और कॉमेडी में, जिसमें हसन मिनहाज की फोटो है, बंदे को ब्लैकलिस्ट कर रखा है ऑर्गेनाइजर्स ने, वहां पे इसके काम की तारीफ हो रही है। भाई उस बंदे के काम की तुम तारीफ कर रहे हो पब्लिकली, बट बिहाइंड द कैमरा तुम उसे ब्लैकलिस्ट करके बैठे हो। बिग ब्रेन
mayogany.com/shop. Link in description, bro. पता है ये पूरा incident ना actually दुनिया की सच्चाई है. अगर तुम स्टार हो, सक्सेसफुल हो या तुम देश का नाम रोशन कर रहे हो, न्यूज पे फ्रंट पेज पे तुम फोटो खिंचवाओगे बड़े बड़े लोगों के साथ, बट एट द एंड बिहाइंड द कैमरास किसी को फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम कुछ भी कर लो. कारगिल वो रिटायर्ड मैन जूस की रेडियो लगा रहा है, रेसलिंग में गोल्ड जीतने वाला संतरे बेच रहा है, केले बेच रहा है, और हम कुछ नहीं कर सकते उस बारे में. शायद तुम्हें पता भी नहीं होगा ये स्टोरी एग्जिस्ट करती है, बट हैं. अभी मैं चाह के भी फिक्स नहीं कर सकता उसे, बट एक चीज जो मैं कर सकता था वो है अवेयरनेस फैलाना, और वो भी कर रहा है और वही मैं भी कर रहा हूँ. हाँ, बस हमारे पास स्पॉन्सर्ड नहीं होते. मैं बता रहा हूँ, प्रियंका चोपड़ा जैसे इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है ना, मैं इसको इंडियन मानने को तैयार हूँ कि इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है. हाँ, देखो इंडियन अच्छा बंदा है. यहाँ पे जो भी होता है ना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए होता है, और कोशिश ये होती है कि इस एंटरटेनमेंट के साथ तुम्हारी जिंदगी में कुछ नॉलेज आ जाए, अवेयरनेस आ जाए, या एटलीस्ट ऐसा ना हो कि 10 मिनट फालतू चीज करके हमने तुम्हारा टाइम वेस्ट किया है. कुछ इंपॉर्टेंट चीज जाए तुम्हारे पास जो आज नहीं कल नहीं 3 महीने बाद 3 साल बाद 30 साल बाद ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन तुम्हारी नॉलेज बनाए रखने में हेल्प करेगी या इंपॉर्टेंट हो. आई नो कभी कभार तुम्हें भी लगता है कि ये जरूरी नहीं मेरे लिए, मेरे को भी लगता था, बट एक टाइम आया जहां मुझे समझ में आया इंपॉर्टेंस क्या है नॉलेज की, और उस दिन से मैंने पढ़ना शुरू किया है. हमें दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास जिंदगी में इतना टाइम नहीं होता कि हम वो सारी गलतियां खुद से कर सकें. और हर बंदे के पास एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस नॉलेज है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लिटरली उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं अपना काम करने आया हूँ एज अ सिटीजन, एज एन ह्यूमन, टू हेल्प द एनवायरनमेंट एंड पीपल, और एग्जैक्टली वो भी वही कर रहा है. अभी तुम मेरे साथ आ सकते हो या मेरे अगेंस्ट आ सकते हो, दोनों केस में मैं 99% श्योर हूँ तुम्हारी एग्जिस्टेंस मैं नोटिस भी नहीं करूँगा. सो जहाँ पे हम सब एक अच्छे काम में लग सकते हैं, तो क्यों भूतियाबंदी करना. ये सारे होने के बाद भी उसे ऐसा नहीं बुरा लगा, हाँ बुरा फील हुआ ऐसे, बट उसने कहीं से भी डिसरिस्पेक्ट नहीं किया इंडियन कम्युनिटी को, ना उस ऑर्गेनाइजेशन को जिसने ऑर्गेनाइज किया था. और यही पहचान होती है यार, ह्यूमिलिटी मिले लेके इज्जतपूर्वक चले जाओ और मजाक मजाक में शेयर करते रहो, बट मारो मत खोल के किसी. वीरदास इज डूइंग अमेजिंग जॉब. जो वीरदास और मिन्हाज जैसे लोग कर रहे हैं वो चीजें इंडिया को प्राउड फील कराएंगी. उनके पास जाके गाली देना या उनको इवेंट से ब्लॉक कर देना और फिर बोलना यहाँ पे आगे आ रहे वी आर प्राउड ऑफ यू गाइज, अमेजिंग जॉब, यू आर इंडियन, ये सेंस नहीं बनता. इसे हिपोक्रेसी कहते हैं. देश से ऊपर कुछ नहीं आता, और देश ना मेरा है ना तुम्हारा है, यहाँ पे हम बस किराएदार है. एक दिन निकल जाना है, दूसरे को भी आना है हमारे बाद, हमारे से बाद मैं तो निकल जाएगा, तुम अपना देख लो भाई. सपोर्ट करो जो अच्छा काम कर रहे हैं. एंड जस्ट इनकेस तुमने पेट्रियोटिक एक्ट नहीं देखा है, सो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी चैनल की, जहाँ पे अवेलेबल है. मस्ट वॉच सीरीज है, मस्ट वॉच, चाहे तुम्हारे काम का वो डील है या नहीं, बट ट्रस्ट मी जब तुम उससे पढ़ोगे तुम्हारे को काफ़ी चीज़ें ओपन अप होगी इंडिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में. शायद वो इंडियन टॉपिक भी नहीं होगा, बट इंडिया में भी एग्जैक्टली सेम प्रॉब्लम्स है. बट अगेन मेरे ओपिनियन, फील फ्री टू लेट नो तुम क्या सोचते हो इस पूरे सिचुएशन के बारे में. बाकी मैं मिलता हूँ कल. Peace out. अब पॉइंट याद है इस कहानी को बताने का कि उसने जो बोला वो गलत नहीं था, क्योंकि वो पार्शियल नहीं था, बट एट द सेम टाइम वो फैक्ट्स थे, वेल रिसर्च्ड फैक्ट्स थे. अगर तुम उतनी रिसर्च करोगे तुम्हें दिखेंगी सच्चाइयां. अगर बीजेपी के पॉलिटिशियंस पे क्रिमिनल चार्जेस हैं तो वो फैक्ट है, इस पे ऑफेंड होने वाली कोई बात नहीं है. और प्लस वो कॉमेडियन है, उसका काम कॉमेडी में तुम्हें नॉलेज बांटना है, जो एग्जैक्टली हम भी यहां पे करते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं कि हाँ उसे प्रॉब्लम है इन चीजों से, उसने बस अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है. तुम उससे एग्री कर सकते हो या नहीं कर सकते, और वो सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रहा, वो एक अच्छे कॉज के लिए कर रहा है. इसलिए ये नेटफ्लिक्स का पहला ऐसा शो होगा जो YouTube पे कंप्लीटली अवेलेबल है, फ्री ऑफ कॉस्ट. तुम एक्चुअली चैनल पे देख सकते हो बिना एक रुपए दिए हुए Netflix को. YouTube पे इसने सारे एपिसोड डाल रखे हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस मिले. और उसने सिर्फ इंडिया को कवर नहीं किया, उसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर किए हैं. स्टूडेंट लोन हो गया, क्रिकेट करप्शन हो गया, क्रूजेस तक के बारे में बात करिए कि कैसे वो हार्मफुल है वोटर्स के लिए. मतलब ऐसा कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं था जो उसने टच नहीं किया. अभी ब्रांडिंग के ऊपर बात करी हुई है इसने, और लिटली वो जो बोल रहा है वो वेल रिसर्च्ड है.
उसे कोई जरूरत नहीं करने के लिए, बस एक काम कर रहा है और एक इंटेंशन से कर रहा है, भलाई। Stop it. Get some help.